नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं अपने YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। देखिए, आज डेट हो गई है 25 और कई सारे स्टॉक्स के अंदर काफ़ी अच्छा मोमेंटम हमें मिला है। तो उस मोमेंटम को चेंज करते हुए मैं आपके सामने लेके आया हूँ अपनी स्टडीज़, और उस स्टडीज़ में अब हम देखेंगे कि कौन सा स्टॉक आज हमें दे सकता है एक बेहतरीन रिटर्न। पहले से कुछ प्रीडिफाइंड नहीं है, जैसे हम सारा कुछ स्टॉक से फाइंड करेंगे और उसके बाद ही हम लोग चार्ट को डिस्कस करेंगे कि अभी कौन से स्टॉक्स में कहाँ अपन को अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है, कहाँ अपन को अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं अपन। तो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पर प्रेस करिए ताकि आने वाले मेरे जितने भी वीडियोस के नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुँच सके। क्योंकि जब तक आप बेल आइकन को प्रेस नहीं करोगे तो मेरा वीडियो आप तक कैसे आएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। और दूसरा, मैं ये बताता हूँ कि जो भी स्टॉक्स मैं आपको यहाँ पे मेरा एनालिसिस करके दिखाता हूँ तो वो मेरा एक पर्सनल एनालिसिस है, उसमें कोई भी बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपका इस मेरी एनालिसिस के ऊपर आप कोई भी किसी भी प्रकार का ट्रेड करते हो तो उसके लिए आप खुद जिम्मेदार हो। तो ये तो हो गया मेरा डिस्क्लेमर, अब चलिए शुरू करते हैं आज की मेरी ट्रेड क्या है और कैसे अपन उसको देखेंगे। तो देखिए, ये मैं सीधे आपको लेके आ गया हूँ, सीधे मैं आपको ले गया हूँ, वो है स्टॉकेज मेरा। तो स्टॉकेज पे मैं आपको दिखाता हूँ कि कौन सा स्टॉक्स में अपन एंट्री एग्जिट ढूंढेंगे। तो ज़्यादा कुछ अपन को उसमें नहीं देखना, तो ये मेरे को मैं बता देता हूँ कि ये ट्रेंडिंग स्टॉक है। आज ये ट्रेंडिंग स्टॉक वो स्टॉक दिखाते हैं जो आज सबसे ज़्यादा फास्ट मोमेंटम उन्होंने करी है। तो चलिए मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो ये मेरे सामने कुछ स्टॉक्स इस तरीके से आ गए। तो आज का जो प्राइस मूवर स्टॉक है, यानी कि सबसे जो ज़्यादा मूव हुआ है, वो 20% का सर्किट जिसने मारा है, वो है हमारा ज्योति लैब्स, वो है हमारा ज्योति लैब्स। तो चलो इसी को अपन देख लेते हैं लगा के क्या आता है क्या नहीं आता। तो यहां मैं लिखता हूँ JYOTHI, ये आपका आ गया ज्योति लैब, आ गया ज्योति लैब्स। तो ज्योति लैब्स का चार्ट कुछ इस तरीके से बना हुआ है, ज्योति लैब्स का चार्ट कुछ इस तरीके से बना हुआ है। तो सबसे पहले मैं आपको चार्ट का जो प्राइस है वो दिखाता हूँ कि अभी चार्ट कौन से प्राइस पे खड़ा है। तो आज के दिन प्राइस खड़ा है 290 रुपये पे, आज के दिन प्राइस खड़ा है 290 रुपये पे। और अगर मैं यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लूँ, मैं यहाँ से ये वाली एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ, तो कुछ मुझे इस तरीके का सिनेरियो मिलता है। अगर मैं यहाँ पे इस ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ तो मुझे कुछ इस तरीके का सिनेरियो लगता है कि अगर मेरा स्टॉक मंथली पे हायर हाई बनाएगा तो मुझे जो टारगेट दिखाई दे रहे हैं वो 350 रुपये तक के मुझे टारगेट दिखाई दे रहे हैं एज पर द ट्रेंड लाइन। लेकिन लेकिन उसमें अपन को ये भी देखना पड़ेगा कि यहाँ पे प्राइस का ब्रेकआउट हुआ है, प्राइस में ब्रेकआउट आया है या नहीं आया। तो ये आपके सामने मंथली स्टॉक है, तो मंथली स्टॉक के हिसाब से ये एक हाई था, जो कि इसका हाई लाइफ टाइम हाई है 245, जो इसका लाइफ टाइम हाई है 245। तो ये 245 को अगर इसने ब्रेक किया मंथली चार्ट पे, 245 को इसने अगर ब्रेक किया मंथली चार्ट पे, तो मेरा ट्रेड इनिशिएट हो जाएगा, मेरा ट्रेड इनिशिएट हो जाएगा। क्योंकि मंथली चार्ट पे ये एक काफ़ी बुलिश कैंडल बना रहा है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल बना रहा है। अभी भी हमारे पास टाइम है मंथली क्लोजिंग आने में, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा इसमें वेट करेंगे कि एक बार मंथली क्लोजिंग हो जाती है, होने के बाद ही हम लोग उसमें डिसाइड करेंगे कि हमारे टारगेट्स क्या रहेंगे, हमारी एंट्री कहाँ रहेगी और हमारा एग्जिट कहाँ रहेगा। तो ये कुछ इस तरीके से मेरा मंथली चार्ट था। ये एक और लाइन यहाँ पे बैठ रहा है जो कि एग्जैक्ट मतलब ट्रेंड लाइन का हाई है, वो बाहर नहीं जाने दे रहा है। लेकिन फिर भी अपन इसमें मोटा मोटा अगर इसको चेंज करते हैं तो 400 का टारगेट इस ट्रेंड लाइन के हिसाब से मेरे को मिल जाता है। तो मैं इस स्टॉक्स के अंदर काफ़ी बुलिश हूँ, क्योंकि मंथली में मेरे को एक लाइफ टाइम हाई मिल रहा है, मेरे को लाइफ टाइम हाई मिल रहा है, 52 वीक हाई मिल रहा है। तो मैं इसके अंदर काफ़ी बुलिश हूँ, क्योंकि मंथली में टाइम फ्रेम इसका हायर हाई हो रहा है। तो अभी अभी तक हमने जो भी स्टडी की है वो मंथली चार्ट पे की है। और दूसरी सबसे बड़ी बात एक ये राउंड बॉटम का फॉर्मेशन भी यहाँ पे कंप्लीट हुआ है,
इसकी भी हाँ पे भी हम लोग ये चार्ट इसमें एंट्री कर सकते हैं। तो ये तो हमारा मंथली चार्ट का एनालिसिस था। तो मंथली चार्ट के हिसाब से अगर इसमें मेरे को ट्रेड करने पड़ जाए, अगर मैं इसमें ट्रेड करूं तो मेरा जो एंट्री पॉइंट है इसमें 250 रुपीज का एंट्री पॉइंट रहेगा, और मेरा जो SL है वो ब्रेकआउट कैंडल का लो रहेगा। ब्रेकआउट कैंडल का रो 214 रुपीज मेरे ब्रेकआउट कैंडल का लो है, तो ये मेरा SL रहेगा। और मेरा जो टारगेट है वो 400 रुपीज का टारगेट है इस स्टॉक्स के अंदर, मेरा 400 रुपीज का टारगेट है। तो अगर टारगेट पहले आ जाता तो मैं टारगेट पे निकल जाऊंगा, अगर मेरा SL पहले आ जाता तो मैं SL पे निकल जाऊंगा। तो लेकिन ये एक फॉर्मेशन ऐसा बना रहा है कि टारगेट आने की चांसेस अब हमें ज्यादा मिलेंगे। तो ये तो बात हो गई अपनी वीकली मंथली चार्ट पे। जैसे ही मंथली चार्ट खत्म हुआ तो हम उसमें से ट्रेड करेंगे, लेकिन मंथली चार्ट की कैंडल अभी तक कंप्लीट नहीं हुई, इस वजह से हम लोग एक लेवल नीचे लेके जा रहे हैं अपने स्टॉक्स को, जो कि हमारा है वीकली चार्ट। तो ये हमारा कुछ वीकली चार्ट हमारा कुछ इस तरीके से हमारा लगा हुआ है। चार्ट का थोड़ा सा और दिखाता हूँ, देखिए ये ट्रेंड लाइन इंटैक्ट यहाँ पे बनी हुई है। तो इस ट्रेंड लाइन को तो अपन इस तरीके से मानते हैं, लेकिन यहाँ पे ये मैं आपको दिखाता हूँ कि ये देखिए चार्ट का पैटर्न कुछ इस तरीके से है। चार्ट का पैटर्न कुछ इस तरीके से है जो कि आपको दिखाई दे रहा है। तो अभी वीक खत्म होने में अपन के पास 3-4 दिन और पड़े हैं, लेकिन कैंडल ने एक स्ट्रांग ब्रेकआउट दिया है। कैंडल ने स्ट्रांग ब्रेकआउट दिया है, मतलब रनिंग में चल रहा है, मंथली पे वीकली पे रनिंग में चल रहा है, वीकली पे रनिंग में अपना ये जो हाई है वो चल रहा है। लेकिन लेकिन मैं आपको ये बता देता हूँ कि इस स्टॉक्स के अंदर मेरी एंट्री है वो पहले हो चुकी है। इस स्टॉक्स के अंदर मेरी एंट्री है वो पहले हो चुकी है। अब आप ये कहोगे कि अगर आपकी एंट्री हो गई है तो आप ये वीकली एनालिसिस क्यों कर रहे हो? तो देखिए मैं आपको दिखाता हूँ कि स्टॉक्स के अंदर क्या हुआ। तो ये एक हाई मुझे मिला था लगभग 2021 का, और एक ये हाई है वो लगभग 2022 का है। 2 साल का ये एक मेरे को हाई मिला। इन दोनों को मैं यहाँ पे मैच करता हूँ, इन दोनों को यहाँ पे मिलाता हूँ, तो मेरे सामने कुछ इस तरीके का सिनेरियो खड़ा हो गया। इस तरीके का मेरे सामने सिनेरियो खड़ा हो गया कि यहाँ पे एक मुझे ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट मिला था, यहाँ पे मुझे एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट मिला था, और वो ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट है वो एग्जैक्ट रीटेस्ट हुआ है, वो एग्जैक्ट इस ट्रेंड लाइन को ही रीटेस्ट हुआ है। तो मेरी एंट्री यहाँ पे 230 रुपये के लगभग मेरी एंट्री यहाँ पे हो गई थी, 230 रुपये के ऊपर मेरी एंट्री हो गई थी। और मेरा जो स्टॉप लॉस है, मैंने ये मान के चला था कि इस कैंडल का हाई लो है, ये जो ब्रेकआउट कैंडल है आपकी ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट है, इसका जो लो है 214 रुपीज, ये मेरा एक क्या बनेगा, SL बनेगा जब स्टॉक वापस पलट जाएगा तो। और दूसरा एक यहां से मेरे को ये कंफर्मेशन मिला था ये वाला कि यहां से भी ये ब्रेकआउट है, लेकिन मैंने इसको ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दिया, मैंने ट्रेंड लाइन को ज्यादा इम्पोर्टेंस दिया है और उसी को एग्जैक्ट रीटेस्ट करके स्टॉक वापस भाग गया। तो अभी तो मैं इसके अंदर काफी मेरे को अच्छा रिटर्न मिल रहा है, यानी कि 230 से स्टॉक 290 तक चला गया, तो मेरे को यहाँ पे कुछ बढ़िया सा गेन हो रहा है। लेकिन लेकिन अभी कई लोग हैं वो इसमें एंट्री नहीं कर पाए हैं, तो अपन इसमें क्या करेंगे? तो जो लोग इसमें एंट्री नहीं कर पाए हैं तो मैं एक बार बताता हूँ कि मेरे पास दोबारा एक मौका है, क्योंकि ये एक हाई था यहाँ पे, ये एक हाई था, ये इस हाई को रिजेक्शन आया यहाँ पे, ये जो पिछला हाई था इस हाई का इसने तोड़ना चाहा था इसको, लेकिन यहाँ पे एक रिजेक्शन आ गया। रिजेक्शन आने की वजह से अपन इस रिजेक्शन कैंडल को मार्क करते हैं, ये वाला मैंने मार्क कर लिया जो कि 252 रुपीज है। अब क्या होगा, अब अगर मेरा स्टॉक 252 रुपए के ऊपर क्लोज मुझे मिलती है, आज तो स्टॉक 290 पे खड़ा है, लेकिन हो सकता है 2 दिन बाद ये स्टॉक नीचे भी आ जाए, लेकिन मोटा मोटा मेरे को ये चाहिए कि अगर वीकली के अंदर ये स्टॉक 250 रुपीज के ऊपर क्लोज हो जाता है तो मेरा एंट्री यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। तो मेरे यहाँ पे एंट्री स्टार्ट हो जाती है लगभग 255 रुपए से 60 रुपए के बीच में, अगर ये कैंडल का ब्रेकआउट आता है तो। और अगर कैंडल का ब्रेकआउट नहीं आता है तो आप इसमें एंट्री, और मैं इसमें एंट्री नहीं कर सकता, मैं एंट्री कर ही नहीं सकता। तो अभी देखिए मान के चलते हैं अपन इसमें ब्रेकआउट आ गया, मान के चलते हैं अपन इसका ब्रेकआउट आ गया, तो सबसे पहले तो अपन ये देखते हैं कि इसके अंदर एंट्री कहाँ रहेगी। तो मेरी एंट्री है वो 255 से 260 रुपीज़ मेरी एंट्री हो जाएगी, 255 रुपये से 260 रुपये के बीच में कहीं पर भी मेरी एंट्री हो जाएगी। और उसके बाद एंट्री होने के बाद मेरा जो SL लेवल है, एंट्री होने के बाद
जो ऐसा लेवल है ये ब्रेकआउट कैंडल का लो है जो 233 रुपए है, ब्रेकआउट कैंडल का लो है जो 233 रुपए है, मैं इसको अपना एग्जिट लेवल मानूंगा। अगर इसके नीचे वीकली के अंदर क्लोजिंग आ जाती है तो मैं इसमें एग्जिट मानूंगा, और जैसे ही ये मेरे फेवर में चलना शुरू होता है तो ये मैं यहाँ पे 350 प्लस का अपना जो टारगेट मान के चलूंगा कि अगर ये स्टॉक इस ट्रेंड लाइन को टच कर दे यहाँ पे तो मैं इसमें से अपना पार्शियली प्रॉफिट है वो बुक कर लूंगा। ठीक है, तो ये मेरा इसके अंदर एक एंट्री लेवल था, ये मेरा एसएल लेवल है और ये मेरा एक टारगेट लेवल था। तो एक बार दोबारा बता देता हूँ कि मेरा जो एंट्री लेवल है 255 रुपीज से 260 रुपीज है, मेरा जो एसएल लेवल है वो 233 रुपए है, और मेरा जो टारगेट है वो 350 प्लस का मेरा टारगेट है वीकली चार्ट पे। तो ये था मेरा आज का एनालिसिस, अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू, हैव नाइस डे।